नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पिछले दिनों ताइवान की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति साई इंग वेन ने ताइवान की स्वाधीन राष्ट्र के रूप में व्याख्या की तो चीन बुरी तरह से तिल मिला गया। मगर अब लगता है कि मामला इससे भी आगे जा रहा है, क्योंकि साई इंग वेन ने एक जोरदार ऐलान करके चीन की कम्युनिस्ट सरकार के पैरों तले से जमीन खिसका दी है। साई इंग वेन ने आज सैन्य अभ्यास की श्रृंखला के तहत मरीन ड्रिल किया है, जिसे जिनपिंग के लिए एक चुनौती माना जा रहा है। बड़ी बात यह है कि साई ने स्पष्ट कहा है कि यह अभ्यास चीन की हरकतों के मद्देनजर किया जा रहा है, वे किसी भी हाल में चीन के मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। ताइवान अपनी स्वतंत्रता बचाने में पूरी तरह सक्षम है। गौरतलब है कि साई के इस जवाब को चीन के उस बयान के परिप्रेक्ष्य के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें चीन कह चुका है कि ताइवान को अपने क्षेत्र में बल द्वारा अपने नियंत्रण में लाया जाएगा। खास बात यह है कि इस सैन्य अभ्यास से चीन भड़क गया है। चीन ने कहा है कि ताइवान के इस कदम से दोनों के रिश्ते और गड़बड़ हो सकते हैं। हालांकि ताइवान की सेना आमतौर पर लूनर न्यू ईयर पर द्वीप की रक्षा के लिए अपनी तैयारियां दिखाने के लिए मध्य सर्दियों में अभ्यास करती है। लूनर न्यू ईयर इस वर्ष 25 जनवरी से शुरू हो रहा है। पिछले वर्ष चीन में लूनर न्यू ईयर का पशु सुअर था, जिस पर उइगरों को भी इस पशु को अपने घरों में सजाने पर बाध्य किया गया था, जिस पर कई मुस्लिम देशों में काफी हो हल्ला भी मचा था। इस वक्त जिस तरह से ताइवान और चीन के बीच तनातनी बढ़ रही है, वह किसी बड़े लफड़े का संकेत दे रही है। जानकार कहते हैं कि आने वाले दिनों में किसी भी एक पक्ष की तरफ से उकसाऊ हरकत क्षेत्र को मुश्किल में ढकेल सकती है। खासतौर से चीन विरोधी साई इंग वेन को बेहद आक्रामक स्वभाव का माना जाता है। वह चीन की न केवल मुखर विरोधी है, बल्कि चीनी प्रोडक्ट के खिलाफ भी उन्होंने आवाज बुलंद की है। चीन की समस्या यह है कि साई जिस प्रकार अमेरिका के करीब है, उसका अमेरिका फायदा उठाकर चीन की मजबूत घेराबंदी कर सकता है। बीते वर्ष चीनी सेना ने ताइवान के नजदीक पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर में सैन्य अभ्यास किया था। इस अभ्यास से ताइवान को डराते हुए चीन ने कहा था कि यदि ताइवान स्वतंत्रता की तरफ बढ़ा तो उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल अमेरिका द्वारा ताइवान को 2 अरब 20 करोड़ डॉलर के रक्षा सौदे को मंजूरी देने के बाद से यह विवाद गरमाया था। पर मामला यहां तक नहीं है। ताइवान द्वारा किया गया यह सैन्य अभ्यास उस वक्त हुआ है जब अमेरिकी नौसेना के जंगी जहाज ताइवान जलडबरू मध्य से होकर गुजरे हैं। अमेरिका के इस कदम पर चीन ने आपत्ति जताई थी। चीन को लगता है कि अमेरिका अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए ताइवान को उसके विरुद्ध उकसा रहा है। अमेरिका ऐसा करके चीन को कमजोर करने की नीति पर काम कर रहा है। वैसे भी 2016 में राष्ट्रपति साई इंग वेन जब सत्ता में आई थी, तब भी बीजिंग और ताइपे के संबंध काफी तल्की भरे थे। इस वक्त उस आग में केवल घी डाला जा रहा है, जिससे हल्की हल्की लपटें उठने लगी है। साई ने ताइवान को चीन का हिस्सा नहीं मानते हुए उसे एक स्वतंत्र मुल्क बताकर चीन की पेशनी पर बल डाल दिए हैं। आज मिली जानकारी के अनुसार चीन ने ताइवान के निकट सैन्य अभ्यास की शुरुआत कर दी है। चीन ने आर्थिक दबाव भी द्वीप पर बढ़ा दिया है, जिसके बाद स्थिति और तनावपूर्ण होने का अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। इधर ताइवान ने भी अपने क्षेत्र में सैन्य अभ्यास शुरू किया हुआ है, जिससे दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं है। बड़ी बात यह है कि इस वक्त खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी पोत भी मौजूद है, जिसकी वजह से ताइवान बेहद आश्वस्त नजर आ रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि ताइवान द्वारा यह आक्रामकता चीन के ताइवान के कब्जे करने वाले बयान के बाद उपजी है। इस बयान के बाद अमेरिका ने भी ताइवान को संप्रभु राष्ट्र कहा है और चीन को ताइवान से दूर रहने की सलाह दी है। माना जाता है अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से ताइवान के साथ है। पिछले वर्ष ताइवान राष्ट्रपति को अमेरिका ने वाशिंगटन में नई ठहराने की चीन की मांग को ठुकरा दिया था, जिसके बाद चीन केवल गिदड़ भभकी देकर रह गया था। अमेरिका द्वारा ताइवान के सैनिकों को प्रशिक्षण देने की खबरें भी आ रही है, जिसने चीन की चिंताओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है। चीन को महसूस हो रहा है कि अमेरिका ताइवान को भी फिलीपींस की तरह उसके खिलाफ खड़ा कर रहा है। अन्यथा एक छोटे से द्वीप में इतना साहस नहीं है कि वह चीन के सामने गर्दन सीधी कर सके। निश्चित रूप से यह चीन के लिए सावधान हो जाने की घंटी है।
क्योंकि अमेरिका जिस प्रकार भारत, फिलीपींस, ताइवान के माध्यम से उसका सिरदर्द बढ़ा रहा है, वह उसकी विस्तारवादी नीति के परक उतरने की चेष्टा है। खासतौर से ताइवान द्वारा चीन को आंखें दिखाने से कम्युनिस्ट सरकार में हलचल बढ़ गई है। अब किसी भी तरफ से कोई भी गलत कदम उठता है तो यह हलचल हड़कंप का रूप ले सकती है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।